अभी गलत ट्रैक क्या है? देखो पकड़ो, गलत ट्रैक है मजा, टेम्पररी प्लेजर, जिन चीजों से हमको मिलता है जो आगे जाकर के परमानेंट पेन में कन्वर्ट हो जाता है, मजा जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, अंधी हुई पड़ी है, वो है गलत ट्रैक। जो भी आदमी अपने रास्ते से भटक गया है, जिसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी आदमी, एक बिजनेसमैन है, उसको बहुत पैसा कमाना था, उसने बहुत पैसा कमा लिया, अब क्या करूं, कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो मजे के पीछे जाएगा, पैसा तो कमा लिया, मजे मारो। एक स्टूडेंट है जिसके पास में कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, पढ़ने की कोई वजह नहीं है, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है पढ़ने की, तो वो क्या करेगा? कहेगा छोड़ना, मजे मारो। वो मजे अपने आप ही उसको अपनी तरफ खींच लेंगे, उसके माइंड में, उसको पता भी नहीं लगेगा। अब ये मजा क्या है, एक बार इसको देखते हैं, लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहला मजा है नशा, कभी भी देख लो आप उठा करके। जिसके पास में जीने की कोई वजह ही नहीं है, वो क्या कहेगा कि यार छोड़ना बड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ी देर के लिए सब भूल करके दो चार लगा लो, आना ही आना है। और मैं ये नहीं कह रहा, अब यहां पे कोई थियोरेटिकल बातें नहीं हो रही कि शराब में कोई मजा नहीं है। अरे भाई बहुत मजा है, बहुत मजा है, और नहीं होता तो इतनी बोतलें कैसे बिकती? सोचो, मजा है, लेकिन ये मजा हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें अंदर से खोखला करने वाला है, हमें बर्बाद करने वाला है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं हुआ, तो ये मजा आपको अपनी तरफ आज नहीं तो कल खींच लेगा। पर्पस नहीं हुआ तो, गोल हुआ, गोल अचीव किया तो दारू, नहीं किया तो दारू। होता है या नहीं होता है? सोचो कितना खतरनाक है ये पूरा का पूरा जाल, इससे कैसे निकलेंगे? बिना किसी पर्पस के निकला ही नहीं जा सकता, क्योंकि बिना पर्पस के डिसीजन नहीं आता लाइफ के अंदर, कमिटमेंट नहीं आता। जिसके पास में कुछ जीने की वजह नहीं है, कुछ करने की वजह नहीं है, वो अपने आप से कमिटमेंट क्या करेगा कि मुझे ये काम करना है? जब तक वो कमिटमेंट नहीं करेगा, उसकी माइंड की एनर्जीज क्या करेंगी? इधर उधर भटक जाएंगी, हजार जगह पे चली जाएंगी। कहां जाएंगी? वहीं जाएंगी जहां पर उसको मजा आता है, और कहीं जा ही नहीं सकती। जहां पर मजा नहीं आता, जिन चीजों में दर्द होता है, उन चीजों को छोड़ती चली जाएगी। आपका माइंड जिन चीजों में दर्द होता है, जैसे कि पढ़ाई, तो पढ़ाई को माइंड छोड़ देगा। एक्सरसाइज को माइंड छोड़ देगा। कभी भी देख लेना, जो ज्यादा ड्रिंक करता है वो कभी भी एक्सरसाइज करता हुआ नहीं मिलेगा आपको। ये सब रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, कोई इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। किसी किताब से पढ़ करके मैं ये सब बातें नहीं कर रहा, लाइफ को ऑब्जर्व करके ये सब बातें कर रहा हूं। जो देख रहा हूं वो बोल रहा हूं, सच। चाहे किसी को कड़वा लग रहा है, मीठा लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है? मेरा काम है सच बोलना।